नमस्कार एल्ला पत्रकार माध्यम मत चानल माध्यम नमस्कार नानु गोविंदराव नरसिंहराव सोमोशी साकानिके हुलसूर जिले बीदर एमएलसी इलेक्शन कैंडिडेट आगे भर्जरी प्रचार माता नानु 10 वर्ष ग्राम पंचायत मत 5 वर्ष तालूका पंचायत स्वतंत्र आय्के जन नन सेवकाश आ हिन्दली अद आधार तक विधान परिषत् नन भाड़ दौड़ अनुभव तालूका पंचायत ग्राम पंचायत अंत नन पार्टी हईकमांडू नामेशन हाकनी अंत ना पीपर को आदेश प्रकार नानूत उम्मीदवार मत नाक आई तालूक नावत प्रचार मोत बंदेव एला प्रचार ऐन सर आगे ना बीदर तालूका इवत प्रचार बंदी साहब सर जो दिल्ली में आपका जो जो सरकार है वहाँ पर सरकार तो बहुत अच्छा काम करी पब्लिक बोलते सर हम चैनल वालों को तो बोलने नहीं आता पब्लिक कैसा है बोलती सर दिल्ली में काम आदमी पार्टी को करेक्ट बात करें सर तुम सही है वहाँ पर केजरीवाल ने जीवन में संविधान का मूलभूत अधिकार जनता को 100% लागू करने की कोशिश करे उसके बारे में कोई डाउट नहीं है साहब और यही देश को महागुरु होने का क्या संदेश उन्होंने कल के बारे में भी दिए और वहाँ पर लेडीज़ को समानता होना इसके लिए भी उन्होंने बहुत सिक्योरिटी की व्यवस्था करे ट्रेन और बस क्या फ्री करे लाइट बिल फ्री करे पानी 20,000 लीटर तक फ्री करे लाइट बिल 200 यूनिट तक फ्री करे ऐसा उन्होंने वहाँ का सामान्य जनता और एजुकेशन में इतना भरारी से लिए है 2.5 लाख लोग प्राइवेट स्कूल उसके स्कूल से गवर्नमेंट में क्या बोले तो एडमिशन लिए और 450 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट पीयूसी कॉलेज से आईआईएम और आईआईटी में क्या सिलेक्शन हो गए ये उनका क्या यश है। और जो बीदर में भी आपका खाता खुल गया सर तो काउंसलर आपके इसके बारे में क्या ख्याल है सर? हाँ साहब हमारे पास बीदर जिला आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल के बहुत फैन है बहुत कार्यकर्ता है लेकिन यहाँ पर अभी आने को देर है बोलकर क्या बोले तो उतना लोग ज्वाइन नहीं हो गए लेकिन यहाँ पर पूरा कर्नाटक में आम आदमी पार्टी का सिस्टम लागू होना यहाँ की व्यवस्था यहाँ का सरकार होना बोलने का कर्नाटक के हमारे बीदर जिले के जनता का इच्छा रहने से फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर काउंसलर क्या है बोले तो विजय हो गया हमारे जिलानी साहब है ना। अभी एमएलसी इलेक्शन के ताल्लुक से कैसा है सर प्रचार आपका आतरा गांव में क्या चल रहा है? सर बहुत अच्छा है साहब मुझे तो ये गांव में वामरे बोल के राजकुमार वामरे बोल के मेरा ये बिल्ला निकाल कर लेके फोटो है सर मेरे पास जी तुम्हारा तोड़ने में सर सभी जगह में बोल रहे हम तुम्हारे को मतदान करने वाले हैं यहाँ की व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था सिस्टम भ्रष्ट एजुकेशन लॉस बच्चों का 90% लोग क्या है बोलो तो अनक्षर है आधा शिक्षण हो गया सो है टेक्निकल एजुकेशन नहीं है भ्रष्टाचार का अंत तो क्या है बोलो तो इतना ज़्यादा हो गया सो है आज यहाँ पर जरूरी है आम आदमी कैंडिडेट का बोलकर मुझे जनता ने ही आग्रह किया और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आकर कर मुझे क्या है बोले तो ठहरा करे सर। सर आम आदमी पार्टी का कर्नाटक में अगर सरकार बनाने के लिए कितना दिन टाइम लेंगे सर आप जैसे कार्यकर्ता कोशिश करके सर? हम सब जन कोशिश करें मतदार तैयार है अभी नेतृत्व करने वाले क्या है बोले तो अभी दूर से ये कर रहे लेकिन आज हमारे पृथ्वी रेड्डी हमारे विजय शर्मा सुदर्शन जैन इन्होंने क्या है बोलो तो बहुत बड़ा क्या है बोलो तो आप कैंपन कर रहे हैं हमारे दो कैंडिडेट बेलगांव को और एक जगह में ठहरे सो है मैं यहाँ पर ठहरा हूँ अब आज से हम इलेक्शन होने के बाद भी हम सदस्यता अभियान क्या है बोलो चालू करने वाले हैं कर्नाटक में इलेक्शन होने के बाद आपका कैंपेन चालू रहेगा कैंपेन कंटिन्यू चालू रहेगा। टोटल से क्या कहना चाहेंगे सर? इस देश की जनता हम देश में महागुरु होना है तो गरीब जनता को संविधान पर कर कंपलसरी ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षण देने का क्या है बोलो तो हमारा केजरीवाल जी तय करे सो है और अच्छी क्वालिटी शिक्षण देके जो जगत में एक नंबर में कोशे एजुकेशन है वो सिस्टम यहाँ पर लागू कर इस देश की दारिद्रता पिछला वर्ग आर्थिक दृष्टि का कमजोर वर्ग को एक इक्वालिटी में लाने की बहुत बड़ी क्या है हमारा उद्देश्य हमारे आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है और ये जनता ने अगर से साथ दिया तो कोई दिन में क्या है बोलो तो कुछ थोड़े दिन में यह यहाँ पर कर्नाटक में सरकार बनेगी कोई चंद दिन में। नम आम आदमी पक्ष बीदर घटक वतियिंद नम गोविंदराव सूर्यवंशी सोमवंशी सरन ना पक्षद एमएलसी बीदर विधान परिषत् सदस्यत्व विधान परिषत् क्षेत्र के बीदर वतियिंद
ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾನವನ್ನು 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು. ನೀವು ಅವರು ಹುಲ್ಸೂರಿನವರು ಮೂಲತಃ. ಅವರು 3 ಟೈಮ್ ಪೆರಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಕಳಂಕರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ನಾವು ಈಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.